हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे ब्राज़ील वर्सेस पैराग्वे इन कोपा अमेरिका। दोस्तों, ब्राज़ील की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर आप इनके ग्रुप में देखेंगे यू हैव अ वेरी वेरी टफ, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ डेथ। अगर आप कोपा अमेरिका की बात करेंगे, सारे ग्रुप्स में सम जेपर्डी इज़ देयर, बट इस ग्रुप में दोस्तों बहुत ही अच्छी टीम्स हैं। कोस्टा रिका के अगेंस्ट ब्राज़ील ने एक 0-0 ड्रॉ किया, ऑन पेपर द वीकेस्ट टीम इन द ग्रुप। और आज उनका मैच होगा पैराग्वे के साथ, हु आर ऑल्सो नॉट अ वेरी वेरी बैड टीम। पैराग्वे ने दोस्तों अपने पहले मैच में एक 2-1 लॉस सफर किया अगेंस्ट कोलंबिया। ये कोलंबिया टीम है जो बहुत टाइम से एक विनिंग स्ट्रीक पे है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द कोपा अमेरिका, फॉरगेट अबाउट दिस ग्रुप। और अगर ब्राज़ील आज के मैच में भी नहीं जीतती है पैराग्वे से, तो उन्हें लास्ट मैच में कोलंबिया को हराना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो ये डू और डाई है दोस्तों ब्राज़ील के लिए, मेक नो मिस्टेक्स अबाउट इट, ब्राज़ील हैव टू विन दिस मैच। और वो प्रॉपर अटैक करेंगे अगेंस्ट दिस पैराग्वे टीम जो डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो क्या हम ब्राज़ील की विन बैक कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बिकॉज लास्ट मैच मैंने पूरा देखा था ब्राज़ील का, एंड दे लुक्ड आउट ऑफ आइडियाज़। जो प्लेयर्स अपने क्लब्स के लिए अच्छा खेलते हैं, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, पाकेटा, ब्रूनो गुमारेस, वो सारे प्लेयर्स ने दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल किया था टू मेक एन इम्पैक्ट। जो सब्स्टिट्यूशंस करे थे वो भी आई थिंक ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे। प्लेयर्स लाइक एंड्रिक फॉर एग्जाम्पल फ्लैटर टू डिसीव, समवन लाइक राफिनिया वॉज वेरी वेरी बैड एज वेल। अगर आप मार्टिनेली की बात करेंगे, ही हैड मेड नो इम्पैक्ट। द ओनली वन जो मुझे लगा एक इन्फ्लुएंशियल सब्स्टिट्यूशन कैमियो किया था, वो सेविनियो का था, जो ऑफकोर्स जिरोना में खेलते हैं, वेन ही केम ऑन फॉर राफिनिया इन द सेकेंड हाफ। सो क्या ब्राज़ील जीत सकती है? आई थिंक आई विल बैक अ विन फॉर देम, बट काफ़ी स्ट्रगल हो सकता है, लो स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि पैराग्वे विल मेक थिंग्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। मस्ट विन मैच है ब्राज़ील के लिए, आई विल बैक समथिंग लाइक अ 1-0 विन फॉर ब्राज़ील इन दिस मैच, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। नाउ ग्रुप की सिचुएशन हम देख चुके हैं, वंस अगेन जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे है कोलंबिया, द ओनली टीम जिन्होंने विन पिकअप करी है सो फार। फिर आप देख सकते हैं ब्राज़ील एंड पैराग्वे एंड कोस्टारिका और ऑल दे, ब्राज़ील एंड कोस्टारिका ऑफ कोर्स 1-1 पॉइंट ईच, एंड पैराग्वे जिन्होंने पहले मैच में लॉस सफर किया था। पैराग्वे दोस्तों विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द ड्रॉ आज, बिकॉज उनका लास्ट मैच होगा कोस्टारिका के अगेंस्ट, और वहां पे अगर उन्होंने लेट से एक विन पिकअप करी आफ्टर पिकिंग अप अ ड्रॉ आज, उनका क्वालिफिकेशन के काफ़ी डिसेंट चांसेस होंगे, स्पेशली कंसिडरिंग कि कोलंबिया का ब्राज़ील के साथ मैच है। सो अगर बात करें दोस्तों हम सीधा बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन की फॉर दिस मैच, दिस इज द टीम आई एम गोइंग फॉर। सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्राज़ीलियन प्लेयर्स फर्स्ट, यहाँ पे मैंने पिक किए हैं। पहले तो हम अटैकिंग प्लेयर्स की बात करेंगे, विनीशियस जूनियर एंड रोड्रिगो। अगर आपको रिस्क लेना है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली इनमें से एक ड्रॉप कर सकते हैं। विनीशियस वॉज वेरी वेरी बैड इन द फर्स्ट मैच, कहते हैं कि नेमार के एब्सेंस में विनीशियस हैज़ टू स्टेप अप एंड डिलीवर, बट क्या उन्होंने फर्स्ट मैच में डिलीवर किया था? एब्सोल्युटली नॉट। प्रॉब्लम यह नहीं है कि विनीशियस के पास टैलेंट नहीं है, हमें पता है इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट प्रॉब्लम यह है कि अगेंस्ट लो ब्लॉक्स ब्राज़ील टीम में विनीशियस बहुत वाइड खेलते हैं। अगर आप लास्ट मैच में देखेंगे तो विनीशियस की जो एवरेज पोजिशनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइड थी, और वो सेंटर सर्कल के पास नहीं आ रहे थे और बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट विनीशियस को सब्स्टिट्यूट कर दिया था 70 मिनट्स पे। यही दोस्तों डिफरेंस होता है नेशनल टीम में और क्लब में, बिकॉज क्लब में दोस्तों विनीशियस नॉर्मली सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, बट नेशनल टीम में ऑब्वियसली ही वॉज मेकिंग नो इम्पैक्ट, पोजिशनिंग बहुत वाइड थी और उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। फिर दोस्तों बात करते हैं रोड्रिगो की, एटलीस्ट वो थोड़ा सेंट्रली ऑपरेट कर रहे थे, ही वॉज समवन जो बॉक्स में काफ़ी थे। वंस अगेन इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, बट आई स्टिल फील कि सेंट्रल एरियाज में अगर कोई प्लेयर रहेगा तो उसका गोल और असिस्ट में इन्वॉल्व होने का अच्छा चांस है। विनीशियस ऑब्वियसली इज अ डिसेंट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है करंटली, बट ही वॉज वेरी वेरी वाइड यार पोजिशनली, अगर वो अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं विनीशियस को मैनेजर इनके, तो काफी प्रॉब्लम होने वाली है ब्राज़ील के लिए। सो रोड्रिगो विनीशियस को मैंने पिक किया है, अगर बाय चांस एक को ड्रॉप करना हुआ आई विल स्टिल ड्रॉ विनीशियस, विच इज़ अ बिग कॉल, बट वंस अगेन जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलता है दोस्तों कि विनीशियस ब्राज़ील के लिए इफेक्टिव होने वाले हैं, तब तक आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। एक और आपको स्टैगरिंग स्टैट बताता हूँ कि लास्ट 6 मैच जो हुए हैं ब्राज़ील और पैराग्वे के, दे हैव बीन 0-0 ड्रॉज, विच इज़ एब्सोल्युटली रिमार्केबल। फिर चलते हैं मिडफील्ड में, यहाँ पे मैंने पाकेटा और सेविनियो को पिक किया है। ये एक चेंज एक्सपेक्टेड है ब्राज़ीलियन लाइनअप में कि राइट विंग पे राफिनिया की जगह सेविनियो आ सकते हैं, एंड सेविनियो मोरेरा वाज वेरी वेरी गुड व्हेन ही केम ऑन, एटलीस्ट वो बॉक्स पेनिट्रेट कर रहे थे, ही वाज क्रिएटिंग चांसेस, ही वाज टेकिंग शॉट्स, ही वाज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हिज टीममेट्स टू गेट इन द बॉक्स एंड स्कोर गोल्स। एंड मुझे लगता है कि सेविनियो पे मैं डेफिनेटली पंट लेना चाहूंगा, स्पेशली बिकॉज दोस्तों ब्राज़ील हैव टू विन दिस मैच। लूकस पाकेटा को मैंने पिक किया है, ही वॉज द वन जो मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत इंप्रेस किया था ब्राज़ीलियन अटैकिंग फोर में, बिकॉज ही वॉज द वन जो
क्रैश करे थे बॉक्स लेट इन द बॉक्स. ही वॉज टेकिंग शॉट्स, ही हिट द पोस्ट एंड सेंट्रल एरिया वंस अगेन ऑपरेट कर रहे थे. एंड ही इज ऑल्सो द वन जो आपको चांसेस क्रिएटेड टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट से सकते हैं. प्रॉपर नंबर 10 रोल में खेलते हैं इस ब्राजील टीम के लिए. सीवीसी पे बाद में बात करेंगे. हुलियो एंड सीसो इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पैराग्वे टीम के लिए. लास्ट मैच में उन्होंने गोल स्कोर किया फॉर पैराग्वे अगेंस्ट कोलंबिया. एंड ही वॉज ऑल्सो द वन दोस्तों जो आई थिंक काफ़ी अच्छा ऑपरेट कर रहे थे ये सेंट्रल जोन में ऑक्यूपे. बेसिकली देखे आप देख सकते हैं कि ही वॉज द वन जो एक अटैकिंग थ्रेट प्रेजेंट कर रहे थे इस कोलंबिया टीम के लिए. और ब्राज़ील ओवर कमिट अगर करती है तो प्लेयर्स लाइक एनसीसो कुड बी द वंस जो मुझे लगता है वो एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. कुबास वॉज द वन जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव परफॉर्मेंस. 5 टैकल्स वन एंड 2 इंटरसेप्शंस, 1 चांस क्रिएटेड. और अगर ब्राज़ील इस मैच में नहीं कर पाती है कुछ तो वंस अगेन कुबास आपको बहुत अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं. अगर डिफेंस की बात करें यहाँ पे मैंने मार्किनियोस, डानिलो एंड वेंडेल को पिक किया है. एडर मिलिटाओ को नहीं किया है. सो बेसिकली दोस्तों वेंडेल इज समवन जो एक्सपेक्टेड है कि अराना को रिप्लेस करेंगे एज द लेफ्ट बैक एंड ही इज डेफिनेटली द मोर अटैकिंग ऑप्शन. ये पोर्टो में खेलते हैं तो मुझे लगता है कि अगर वो ओवरलैपिंग रन बना सकते हैं तो विनिशियस थोड़े सेंटर ला सकते हैं. वेंडेल कुड बी इंपॉर्टेंट. मार्किनियोस बहुत पास करेंगे, गुड अटैकिंग थ्रेट एज वेल. उनका गोल डिसअलाउ हुआ था इन द फर्स्ट मैच. डानिलो इज द कैप्टन ऑफ ब्राज़ील एंड ऑल्सो गुड डिफेंसिव नंबर्स एंड बेस पॉइंट्स. एंड एस्पिनोज़ा को मैंने पिक किया है दोस्तों, जो एक प्लेयर है जो मुझे लगता है सबसे अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं पैराग्वे टीम के लिए. एंड मोरिनिगो इज द गोल पर एक्सपेक्टेड टू मेक अ लॉट ऑफ सेव्स. एक और प्लेयर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इस गुस्तावो गोमेस जो अगर फील्ड पे होते हैं पैराग्वे के लिए वो पोटेंशियली पेनल्टीज पे हो सकते हैं क्योंकि पास्ट में पैराग्वे के पेनल्टी टेकर गुस्तावो गोमेस रहे हैं. एक्सपेक्टेड है कि पैराग्वे इस मैच बैक फाइव खेलेगी और अगर गुस्तावो गोमेस टीम में आते हैं तो मे बी आप एनसीसो को ड्रॉप करके एक पंट ले सकते हैं ऑन गुस्तावो गोमेस एज वेल. ऑल्सो ही इज अ वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल. कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, मैंने यहां पे पाकेटा को पिक किया है एज माई कैप्टन बिकॉज ही वॉज द ओनली वन जो मुझे लगा हु लुक लाइक स्कोरिंग अ गोल एंड पोटेंशियली ही समवन जो पेनल्टीज पे भी हो सकते हैं. मोस्ट लाइकली पेनल्टी टेकर ब्राज़ील के पाकेटा हैं. सो अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुझे लग रहा था कि इनके अटैकिंग नंबर्स वर द बेस्ट. रॉड्रिगो को मैंने वीसी किया है. आप सीवीसी रिवर्स भी कर सकते हैं अगर आपको सेफ जाना है. अगर आपको लेट से थोड़ा सा अब बिल्कुल ही सेफ जाना है तो विनिशियस को आप सीवीसी कर सकते हैं. बट आई रियली फील इस मैच में कोई स्टैंड आउट कैप्टनसी कंटेंडर नहीं है ब्राज़ील के लिए. सो समवन लाइक पाकेटा and a Rodrigo combination could be the one to go for. If you think once again Brazil will struggle to score goals or ek 1-0-0-0 ho sakta hai, then I think once again I will say ki Savinho ko drop karke aap Eder Militao ko apni team mein le sakte hain because all these guys might get substituted early. So dosto ye tha mera preview for Brazil versus Paraguay in Copa America. Do or die match for Brazil. Updated combination aapko milegi on my Telegram channel Fantasy Scout 11 Football, jiska link aapko mil jayega video ke description mein and pinned comment as well. So thank you all for watching, wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.